अमृतसर में चोरी की एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। चोरों ने आधा घंटा तक बड़े ही आराम से वारदात को अंजाम दिया और लाखों का माल लूट लिया। चोरी की यह सारी घटना तीसरी आंख यानी कि सीसीटीवी में कैद हो गई। अमृतसर के क्वींस रोड पर चोरों ने घड़ियों के शोरूम को निशाना बनाया। चोरों की करतूत सीसीटीवी में कैद हुई है। शोरूम के अंदर घुसकर चोर करीब आधे घंटे तक लाखों के माल पर हाथ साफ करता रहा और बाद में अपने साथियों की मदद से सामान लेकर मौके से रफूचक्कर हो गया। दुकान मालिक के मुताबिक चोरों ने लगभग 22 लाख रुपए की 375 घड़ियां और चश्मों की चोरी को अंजाम दिया है। पहले कैश ड्रॉर में आया, 38,000 कुछ रुपए वहाँ पे कैश थे, वो सारे उसने पहले उठाए और बाद में तकरीबन ऑलमोस्ट 400 के आसपास 390 घड़ियां वो लेके वहाँ से चला गया। पूरा आधा घंटा वो आदमी अंदर रहा, 14 के करीब चश्मे भी वहाँ उसने लिए हैं। पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। रात को जो टैटो शोरूम बंद करके गए, सवेरे जो आके देखा ताला नहीं, ताला होर लगा है, तो उन्होंने काफी कीमती घड़ियां तो चोरी करके ले गए, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अंदेशा ये भी जताया जा रहा है कि चोर इस शोरूम से अच्छी तरह वाकिफ था, इसलिए तसल्ली से चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया। अमृतसर से राजन गोसाई, जी मीडिया।